पिछले दिनों बारिश की कमी से प्रदेश भर के कई बांधों में पानी की कमी की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था। तो वहीं पानी की समस्या के चलते पानी जिले से वाटर ट्रेन का संचालन किया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश से हवाई बांध में पानी की आवक होने लगी है, जिसके चलते राज्य सरकार के निर्देश पर पाली में पानी की समस्या से निपटने के लिए चलाई जा रही वाटर ट्रेन का संचालन स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि जवाई और हेमावास बांध में पानी की आवक होने के बाद पाली एसडीएम ने सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद वाटर ट्रेन के संचालन को रद्द कर दिया है। अभी वर्तमान में जितनी बारिश हुई है उस बारिश से सितंबर अंत तक पाली एवं उसके आसपास के एरिया में हम पानी पिला सकते हैं, इतना पानी उसमें बांध में आ गया है जवाई बांध में। तो राज्य सरकार के स्तर पर सक्षम स्तर पर ये आज निर्णय लिया गया है कि भी कल से वाटर ट्रेन बंद करेंगे। चूंकि पानी इस सितंबर माह के अंत तक आ चुका है और बीच में चूंकि बरसात का मौसम ही चल रहा है तो बरसात और भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी 15 सितंबर को इस मसले पर पुनः हम इसका रिव्यू करेंगे कि वाटर ट्रेन चलानी है।